इस वक्त खास मेहमानों का पैनल है और इस वक्त जो पैनल में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, सबसे पहले मैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर समीर भाटी इस वक्त जुड़ चुके हैं, मेंबर है कोविड अवेयरनेस कमेटी के, बहुत अहम सदस्य है ये, और आज इनसे मैं समझूंगी कि राष्ट्र नीति क्यों जरूरी, राजनीति को छोड़ देना ही फिलहाल क्यों बेहतर होगा, जरा मैं समझूंगी आज। सर डॉक्टर समीर भाटी, मैं आपसे सर शुरू करना चाहती हूँ, आप ही मुझे बता दीजिए, क्या इस तरीके की यात्राएं जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा है, क्या इनको चालू रखना चाहिए अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए? मैं बताऊंगा कि देखिए, कई बार जब बातें होती है कि ये ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है, ये माइल्ड है, बट यहाँ पर अभी एक जो चिंता का विषय रहता है वो ये रहता है कि हमारे जो हाई रिस्क वाले ग्रुप हैं, जो हमारे ओल्डरली पॉपुलेशन है और जिनको अन्य कई कोमॉर्बिड बीमारियां हैं, तो उनके लिए किसी भी तरह का कोई भी वेरिएंट गंभीर नहीं होता। तो मुझे एक्चुअली इसमें पता नहीं कि किस तरह का आपका क्राउडिंग, उस क्राउडिंग के अंदर कितने ओल्डर लोग हैं, कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई अन्य गंभीर तरह की बीमारियां हैं, तो उनके लिए हमेशा ये रिस्की रहता है। इसी वजह से जो भी एडवाइजरी बनाई जाती है उसमें सबसे पहले ये लिखा जाता है कि जो हाई रिस्क वाले लोग हैं उनका हमें प्रोटेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जिस भी जो भी गैदरिंग है, वो चाहे किसी भी तरह की गैदरिंग हो, सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा तो यही होता है कि स्प्रेडर बन जाते हैं लोग और पता नहीं लगता, जब इतनी बड़ी गैदरिंग में कोई आ रहा है तो वहां पे कितने कोरोना पॉजिटिव है, कितने नहीं है, और ये जो स्प्रेडर है अगर ये आगे जाते हैं, मतलब अगर इनमें कोई स्प्रेडर है तो फिर कितना बड़ा खतरा हो सकता है? तो जो अभी आपका वेरिएंट की जो हम बात कर रहे हैं BF.7, ये बहुत अधिक संक्रामक होता है, और इसकी जो हमने आर नोट वैल्यू देखी है वो ये है कि एक इंसान 10 से लेकर 18 लोगों को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। तो निश्चित तौर पर अगर कोई इस तरह से भीड़ भाड़ का कोई भी प्रोग्राम होता है और एक इन्फेक्टेड पर्सन है, वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है उसको कोई लक्षण भी ना हो, तो वो काफी लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। बिल्कुल, देखिए काफी लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है। डॉक्टर समीर भाटी, मैं सर आपसे सिर्फ 10 सेकंड चाहती हूँ, ये लोग जो कह रहे हैं अजय वर्मा जी कि कोरोना है ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, भ्रम है, आज आप इनका भ्रम दूर करिए। मैं चाहती हूँ नेशनल टेलीविजन पर कोई भी गलत बात नहीं जानी चाहिए, क्योंकि सावधान रहना सबके लिए जरूरी है। सर मैं चाहूंगी 10 सेकंड के अंदर आप अपना एक रिएक्शन दीजिए और इन लोगों की आंखें खोलिए। मेरे साथ एक मिनट, अजय जी वो डॉक्टर आप सुन लीजिए, मैं राजनीति, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नहीं ला रही हूँ, डॉक्टर की बात तो सुनेंगे ना, सुनिए अब, सुनिए डॉक्टर, यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी हम खाली BF.7 की बात नहीं कर रहे, किसी भी तरह के नए म्यूटेंट आने का हमेशा चांस बना रहता है। जब हमने देखा है काफी 5 देशों के अंदर स्पीड से कोविड बढ़ रहा है, तो हमारा जो अभी मेन प्रोएक्टिव एंड प्रिवेंटिव स्टेप यह है कि हम जीनोम सीक्वेंस भी इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कोई नई तरह का वेरिएंट तो सर्कुलेट नहीं हो रहा, और जितना वायरस ज्यादा म्यूटेट करता है तो नया वेरिएंट आने का हमेशा चांस बना रहता है। तो कई बार अननोइंगली हम किसी नए वेरिएंट को तो नहीं जन्म दे रहे, इस वजह से ये प्रोएक्टिव स्टेप लिए जा रहे हैं, और वो जब तक हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट्स नहीं आएगी तब तक हम लोगों को ये प्रिवेंटिव प्रोएक्टिव स्टेप लेने अनिवार्य है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो शायद भूल चुकी है कांग्रेस।